आज मैं आपके साथ बच्चों का हाई लो फ्रिल ड्रेस अब किस तरीके से तैयार कर सकते हैं 1.5 मीटर के फैब्रिक से, चलो मैं आपको आज सिखाती हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अब इस वीडियो के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा हाई लो ड्रेस तैयार करने के लिए। मैंने यूज़ किया है 1.5 घंटे का कपड़ा, ये 7 से 8 साल की बच्ची को आराम से हो जाएगा। बॉडीज़ के लिए कपड़े को 4 भाग में फोल्ड कर लीजिए। ऊपर से हम लेवल कर लेंगे, कभी भी कपड़ा ऊपर अनइवन होता है, लेवल कर लीजिए। कोई भी टी शर्ट आप उस पर प्लेस कर लीजिए और उसके बाद आप हाइट ले लीजिए, जितनी आपको बॉडीज़ की हाइट रखनी है उस हिसाब से। नॉर्मली 11 से 12 इंच इनफ होता है 7 से 8 साल की, 6 से 8 साल की बच्चियों के बीच के लिए। तो मैंने वहाँ पर 11 इंच की बॉडीज़ का जो है लंबाई ले लिया है। फिर मैं ट्रेस कर रही हूँ अपनी टी शर्ट के हिसाब से, जो शोल्डर आधा आधा इंच में लूजिंग हर जगह रख रही हूँ, शोल्डर के पास, आर्मोल्स के पास, हर जगह लूजिंग रखते हुए आप मार्क कीजिएगा। अगर आप बॉडीज़ का भी मेजरमेंट लेकर मार्क कर रहे हैं तो भी आप आधा इंच लूजिंग ध्यान में रखते हुए मार्क कीजिएगा, वरना वो टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड कमर के पास भी। उसके बाद उन सारे मापेंगे, राज को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रंट एंड बैक दोनों का ही हमें यहाँ पर जो है पोर्शन रिसीव हो जाएगा। तो सबसे पहले आधा आधा इंच अंदर कपड़ा मोड़ते हुए हम गले को और आर्मोल्स की बगल को जो है वो हेम कर देंगे। आप पट्टी लगा के भी कर सकते हो, बड़ी आसान तरीका है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत भी रहता है। तो आप इस तरीके से भी हेमिंग कर सकते हो गले को भी और आर्मोल्स को भी, आधा इंच फिर आधा इंच अंदर दबाते हुए सिलाई लगा दीजिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो फ्रंट एंड बैक का जो पोर्शन है उसमें मैंने सिलाई लगा दी है। अब घेरे की तरफ बढ़ते हैं। तो घेरे के लिए सबसे पहले हम आगे का पोर्शन कट करेंगे, जिसके लिए मैंने 15 इंच की लंबाई ले लिया है। 15 इंच की लंबाई पे इस तरीके से मैंने ट्रेस कर लिया है, एंड उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हुए उसी सीधी लाइन को हम लेकर जाएंगे पूरे कपड़े में। मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है क्योंकि मैं फ्रिल देते हुए, यानी चुन्नटे देते हुए बॉडीज़ पे लगाऊंगी, इसलिए जितनी कमर है उसका 3 गुना एटलीस्ट कपड़ा होना चाहिए, जिससे कि जो फ्रिल है और जो चुन्नटे हैं कमर के पास वो ज़्यादा है। तो अब इस मार्किंग एरिया को हम कट कर देंगे और फ्रंट का जो पोर्शन है वो हमें मिल जाएगा। अब बैक के भी पोर्शन को हमें कट करना होगा। तो जो हमें फ्रंट का पोर्शन हम इस तरीके से फ्रिल करेंगे जैसे कि मैंने बताया। बैक के पोर्शन के लिए कपड़े को डबल मैंने रखा है। अब एक साइड से जो खुली हुई साइड थी वहाँ पर 15 ही लेंगे, जैसे कि हमने उसमें लिया था आगे के लिए, तो पीछे के लिए एक साइड से हम 15 रखेंगे। और जो बंद साइड है, दूसरी साइड जो बंद है, वो मैंने 22 इंच रखा है, यानी मैंने जो है वो 7 इंच का हाईलो का डिफरेंस रखा है। अपने हिसाब से हाईलो का डिफरेंस को कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश की, इस तरह एस बनाते हुए मैंने जो है वो लेकर गई। एक तरफ जो है वो 13 इंच है और एक तरफ 22 इंच है। मैंने हमेशा 15 बोला, बट मैंने 13 लिया था फ्रंट के लिए, 13 इस तरफ और 22 इस तरफ। उसके बाद इसे कट कर देंगे एंड ये ब्यूटीफुल सा हमें कर्व शेप का बैक का भी पोर्शन मिल जाएगा। अब बॉडीज़ को हम लेंगे, एक बॉडीज़ को लेंगे एंड फ्रंट के कपड़े को अटैच कर लेंगे चुन्नटे देते हुए, और इसी तरीके से हमें पीछे के भी कपड़े को चुन्नटे देते हुए हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को ऊपर रखिए, आधा आधा इंच, एक एक इंच पहले आप देख लीजिए कि कितना कपड़ा उसमें एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि एक जैसी अगर आपकी प्लीट्स रहेगी तो ही वो सुंदर लगेगा। ऊपर नीचे ना हो तो पहले आप मार्क कर लीजिए सिलाई देते हुए। इस तरीके से जब आप आगे टर्न करेंगे तो वो राइट आएगा। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं मैंने चुन्नटे दे दिया है फ्रंट के भी, और हाँ पीछे के भी कपड़े को मैंने चुन्नटे दे दिया है। अब हमें दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखना होगा, रॉन्ग साइड यानी गलत साइड, जो उल्टी साइड होती है उसे हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे, और आर्महोल से लेकर नीचे तक का जो घेरा है वो उसे हम यहाँ पर जो है वो सिलाई देते हुए इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरफ से भी हमें ऐसे ही अटैच करना है, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही अटैच करके शोल्डर को सी देंगे। तो यहाँ मैंने कर लिया है, तो सिलाई भी हमारी हो चुकी है और कपड़ा इसी तरीके से तैयार हो चुका है। आप इसे भी ऐसे ही भी अपने बच्चों को पहना सकते हैं, बस नीचे कॉन्ट्रास्ट लेस लगा दीजिए, पॉम्पम लेस लगा दीजिए, तो भी ये कपड़ा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। बट मैंने नीचे जो है वो 3 इंच की पट्टियाँ कट कर ली थी इसी कपड़े को, एक तरफ मैंने डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है और उसके बाद मैं इसे अटैच करूंगी। तो मैंने जोड़ लगाया है क्योंकि एक लंबी पट्टी इस तरीके से नहीं मिली, जितना घेरा था उसका दुगना मैंने पट्टी ली हूं। उस तरफ वापस मैं चुन्नटे दूंगी इस तरीके से, एंड उसे जब मैं फ्लिप करूंगी तो वह सामने की तरफ आएगा, तो इससे जो है कपड़ा और ज्यादा सुंदर लगेगा। तो ये जो है वो ऑप्शनल, अगर आपको नहीं करना है तो आप ये स्टेप को आसानी से स्किप कर सकते हो, सिर्फ नीचे जो है वो पीको, बिडिंग या लेस वगैरह लगा सकते हो। तो देख सकते हैं ये जो
पूरा कपड़ा है वो रेडी हो चुका है और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आपको भी ये हाई लो फ्रॉक पसंद आया हो तो इसे ट्राई कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो इस ड्रेस को रिलेटेड तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।